कांग्रेस सरकार हमेशा से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर आरोप मढ़ती आई है, लेकिन हाल ही में एनसीआरबी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य घोषित किया था। अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस के इस कदम को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यूपी पुलिस के इस सराहनीय कदम को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी जोखिम नहीं उठाया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य घोषित किया था। इसी बीच अब यूपी पुलिस ने महिलाओं की राय का सम्मान करने को लेकर जनता को जागरूक किया है। पुलिस ने 90 के दशक की हिट फिल्म डर के एक गाने की क्लिप का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लोगों से पूछा, किरण की ना का मतलब। इसके बाद इसी वीडियो में पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन के फेमस डायलॉग का इस्तेमाल इस सवाल का जवाब समझने के लिए किया, जहां बच्चन ने कहा है कि ना का मतलब ना होता है। इस संदेश के जरिए यूपी पुलिस ने कोशिश की कि जब एक महिला किसी पुरुष की बातों को नहीं मानती है और उसे ना बोलकर अपना जवाब देती है, तो उस आदमी को उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। किसी महिला का जवाब ना होने के बाद भी उसे घूरते रहना सही नहीं है। बता दें कि यूपी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म शोले की एक क्लिप का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से सड़क सुरक्षा को लेकर एक इनोवेटिव वीडियो जारी किया, जिसमें शोले मूवी का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की क्लिप का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि ट्विटर पोस्ट पर पुलिस की ओर से #यूपी के शोले के साथ जय और वीरू की दोस्ती क्यों टूटी लिखा गया है और एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बाइक पर स्टंट करना जानलेवा हो सकता है, ना बचेगी जिंदगी ना बचेगी दोस्ती। इसमें साफ किया गया है कि गाड़ी चलाते समय स्टंट करना जुर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा और अन्य सुरक्षा प्रावधानों की जागरूकता के लिए उठाए गए ये कदम काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। जरूरत है तो सभी राज्यों के इसी तरह के कदम उठाने की और अपने राज्य से जुर्म और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।